अब हवाई अड्डे में प्रवेश करना और भी आसान कर दिया गया है। किसी एक पहचान पत्र को दिखाकर आपको हवाई अड्डे में आसानी से एंट्री मिल सकेगी। अब आपको हवाई अड्डे में तमाम 10 तरीकों के दस्तावेजों को लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल उड़ान सुरक्षा ब्यूरो ने एयरपोर्ट पर एंट्री के लिए 10 पहचान पत्रों को अनिवार्य बताया था, जिसमें पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार या मोबाइल आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस आईडी, स्टूडेंट आईडी कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटो युक्त पासबुक, पेंशन कार्ड या फोटो समेत पेंशन के दस्तावेज और दिव्यांगता प्रमाण पत्र या फिर दिव्यांग मेडिकल प्रमाण पत्र शामिल था। लेकिन यहाँ उड्डयन ब्यूरो ने साफ कर दिया है कि इन सब में से अगर आपके पास कोई एक दस्तावेज होगा तो आपको आसानी से हवाई अड्डे में एंट्री कर सकेंगे। इसके अलावा माता पिता यदि वैध दस्तावेजों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो घरेलू उड़ानों पर नाबालिग या नवजात बच्चों के लिए अलग सा पहचान पत्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अलग से जा रहे नाबालिग को पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा। NMF News की रिपोर्ट।